हमारे पास हर साइज का मसाला है कि हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की, बड़ी गोली भी है कि हमने स्मार्ट बम बनाया हुआ है जनाब। इंडिया तो चाहता है ये मरी जाए। करंट लगे। आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि खिसियाने बिल्ली खंभार नोचे, यह कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठता है। दरअसल आपको पता ही होगा कि हाल में सुरक्षा वजहों से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान दौरा बीच में ही छोड़कर चली गई, जिस कारण पाकिस्तान की फजीहत भी पूरी दुनिया में हुई। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्रिकेट सीरीज रद्द होने के पीछे भारत का हाथ बता दिया। उनके अनुसार भारत से न्यूजीलैंड को धमकी भरे ईमेल भेजे गए, जिसके चलते न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का दौरा रद्द करना पड़ा। मंत्री जी ने आगे बताया, धमकी भरा ईमेल भेजने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था उसके मालिक ओम प्रकाश मिश्रा हैं, जो मुंबई में रहते हैं। यहां तक कि उनके द्वारा दिए गए सबूत में ओम प्रकाश मिश्रा का फोटो भी है। अब पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का इतना कहना था कि सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, पाकिस्तान की तो इज्जत उछली ही, साथ ही ट्विटर पर ओम प्रकाश मिश्रा भी ट्रेंड करने लगा। जो नहीं जानते कि ओम प्रकाश मिश्रा कौन है, उन्हें बता दूं कि वो एक रैपर है जिसने वर्ष 2017 में बोल ना आंटी आऊं क्या गाकर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट पत्रकार डेनिस फ्रीडमैन ने भी ट्विटर पर फवाद चौधरी का फोटो शेयर करते हुए लिखा, पहले तो मुझे लगा कि ये लोग व्यंग्यकार हैं, फिर मुझे तुरंत ही एहसास हुआ कि वो तो एक मंत्री हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के जनता ने भी मान लिया कि हाँ, इसके पीछे ओम प्रकाश मिश्रा का ही हाथ है। पाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान मनसूख करने से मुतालिक हकाइक को सामने ले आए हैं, जबकि जो डिवाइस न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट देने के लिए इस्तेमाल हुई वो भारत की थी और ओम प्रकाश मिश्रा नामी शख्स ने मुंबई से इस डिवाइस को इस्तेमाल किया था। इसको इंटरपोल वेलिंगटन ने इंटरपोल इस्लामाबाद को एक ईमेल जो है उसका कहा कि ये ईमेल जो है वो मिली है, और वो ईमेल मिली हमजा अफरीदी 7899@gmail.com से 6:25 पे न्यूजीलैंड के टाइम के मुताबिक। अब हमने ये जो हमजा अफरीदी की जो पोस्ट है इसको एनालाइज किया, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये पढ़कर